एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो और सुरारम पुलिस साइबराबाद ने मिलकर गैर कानूनी मंशियात बनाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया और इनके कब्जे से 3 सेलफोन और गैर कानूनी मंशियात बनाने के केमिकल्स को जब्त कर लिया। आज तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो और सुरारम पुलिस साइबराबाद दोनों ने जॉइंट एक्शन जॉइंट ऑपरेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग गैंग को हम गिरफ्तार करें। इसमें तीन लोग इसमें अक्यूज्ड है। एक कम्मा श्रीनिवास, ये गाजुल रामारम का रहने वाला है और नेटिव वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा नरसिम्हराजु अलियास अजय, ये एक्वा कल्चर का काम करता है, फिश का काम करता है काकीनाडा में, और ये भी आंध्रा का है। और मणिकंटा अलियास पंडु नागराजु, ये भी प्राइवेट एम्प्लॉय है और ये गाजुल रामवारम का रहने वाला है। ये तीनों ने मिला के तीनों के पास 60 ग्राम्स का मेथैम्फेटामाइन ड्रग मिला और लिक्विड मेथैम्फेटामाइन लिक्विड फॉर्म में ये हमको 700 ml मिला है, और एसीटोन बॉटल, ये भी एक केमिकल है, और 3 सेलफोन, ये पूरा मटेरियल हमने बरामद किया है। और कम्मा श्रीनिवास के ऊपर ऑलरेडी NCB में 2013 में एक केस है, वो 2013 के बाद ये गिरफ्तार होके 4 साल जेल में रहा और रिलीज़ होने के बाद 2017 में ये बाकी 2 अक्यूज से मिलकर ये इसके पास जो लिक्विड मेथैम्फेटामाइन था उसका प्रोसेसिंग करके लोकल में बेचने का प्लान किए हैं ये तीन लोग। और लास्ट 2 ईयर से कर रहे थे, इनके पास 20-25 लीटर्स का लिक्विड मेथैम्फेटामाइन था, और ये थोड़ा केमिकल प्रोसीजर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 केजेस का क्रिस्टल मेथैम्फेटामाइन निकला इसमें से। ये लास्ट 2 ईयर से ये बेच रहे थे, इसका पूरा कीमत अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख का होगा। और एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे ये जॉइंट ऑपरेशन किए हम सुरारम पुलिस और TS नैब ने ये पूरा बरामद करके इन तीन लोगों को गिरफ्तार किए हैं। और ये पूरा ऑपरेशन में DSP श्रीधर, TS नैब के 3 इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी, संतोष डैनियल, वेंकटरामुलु SI, और पूरा स्टाफ ऑफ TS नैब HNU एंड सुरारम पुलिस का पूरा स्टाफ इसमें बहुत अच्छा काम किए हैं। इन सब लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ।